हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव यंग टीवी व्लॉग्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मेरे पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगवा लिया है मेरे पार्किंग में। उसे मैंने कैसे लगवाया, वो कितने में पड़ा है, उसका कॉस्ट, सब चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सो गाइस, आप ये जो देख रहे हो ये है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है। तो मेरे पास इसका की भी है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताती हूँ क्या है क्या नहीं, कैसे किया है। तो चलिए इसे खोलती हूँ। तो ये देखिए, इसे अब मैंने खोल दिया है। तो अंदर कुछ दिखेगा आपको इस तरह से, ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है, मेल बॉक्स जो आता है, वही मैंने कुछ जुगाड़ किया हुआ है। तो मैं इसे लगाती कैसे हूँ चार्जिंग को, सबसे पहले तो वो बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये जो एक बड़ा सा वायर आप देख सकते हो, ये ऐसे रखा हुआ है, बड़ा जानबूझ के रखा है क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी इसे चार्जिंग के लिए लगवा सकते हो। तो ये है वो मेरा बोर्ड जो कि एंकर का है, इसे मैंने इलेक्ट्रिक शॉप से ही ख़रीदा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो जब मुझे चार्जिंग करना होता है, मैं करती क्या हूँ, ये जो एंकर का स्विच बोर्ड है यहाँ पर नीचे रख देती हूँ इस तरह से, और जो मेरा चार्जर है यहाँ पर रख के यहाँ पर नीचे मैं चार्जिंग को लगवा देती हूँ। बहुत इजी है इसे चार्जिंग करना, और जब मेरा काम हो जाता है तो मैं करती क्या हूँ, इसे इस तरह से अंदर डाल देती हूँ। बहुत ही इजी है इसे इंस्टॉल करना। ये हमने घर पर ही इसको इंस्टॉल किया है, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के मैंने नहीं करवाया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो वायर्स वगैरह है इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो देखिए, इसकी ये जो आप वायर देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। मैं ये है 2.5 स्क्वायर mm की वायर है, ठीक है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव अर्थिंग एक ही साथ है तीनों चीज़ें। तो ये वायर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मैंने परचेज़ की है। इसमें और एक पतली भी वायर थी, मैंने वो नहीं की है क्योंकि मुझे इसका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा हेवी रेंज की ली हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये सेम अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर विज़िट दे सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों को बहुत सारी क्यूरीज होती है, टेंशन होता है कि अभी मैं रहती हूँ फ्लोर पे, इसलिए मैंने इसे नीचे ही लगवा लिया। तो मैंने किया क्या है, जो कि मेरा मीटर रूम है, ठीक है ना, तो मैंने मेरा मीटर रूम से ये जो वायर है आप देख सकते हो, इतनी बड़ी जो वायर है मैंने अपने मीटर रूम से कनेक्ट करके यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसे इंस्टॉल किया है। क्योंकि मेरी जो स्कूटर होती है मैं यहाँ पर ही नीचे पार्क कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली इस बॉक्स की मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ऊपर एक एंगल भी रखा था, पर क्या है थोड़ा सेफ्टी इशू है इसमें, बारिश के मौसम में भी हमारा ये जो बोर्ड है इसका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, और कोई भी आपका जो ये बोर्ड है ये यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है अपना मीटर रूम से, तो वो दोनों चीज़ें इसमें सेव हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका काम हो जाता है आप इसे अंदर डाल दीजिए और इस तरह से इसे आप लॉक कर सकते हो। तो ये मैंने एक चीज़ आपको बता दी। दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि इसे चार्जिंग भी कैसे करना है फटाफट, वो भी एक आपको बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले एक बड़ी चीज़ कि आपको चार्जर आपके साथ रखना ही है, आपके साथ आपको डिक्की में ही रखना है चार्जर। तो ये जो मेरा चार्जर है मैं हमेशा कैरी करती हूँ मेरे साथ, तो इसे मैंने यहाँ पर ही रखा है मेरा चार्जर जो है। तो सबसे पहले हम ये जो चार्जर है इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, और ये वाला जो सॉकेट है चार्जर का इसे मैं लगा देती हूँ यहाँ पर स्कूटर पर। तो इसे लगा दिया है स्कूटर पर, और ये जो सॉकेट है इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो अभी आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक्स्ट्रा वायर क्यों रखी है। तो ये इसका यूज़ है, मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसे रख सकती हूँ, और मैं यहाँ पर ऐसे ही इसे रख देती हूँ चार्जिंग होने तक। चार्जिंग होने के बाद फिर मैं नीचे आके इसे डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। तो देखिए, ये इसका जो स्विच है इसे अब मैंने
ऑन कर दिया है, अब ये हो गया है चार्जर, ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, ग्रीन कलर है। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं चार्जिंग के लिए, 3.5 घंटे में हमारी ये जो स्कूटर है ये चार्ज हो जाएगी। आपको बार बार आके देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग लगा दीजिए, 3.5 घंटे होने के बाद आ जाइए नीचे, डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ये जो वायर है, ये 2.5 square mm की है। मैंने ये क्यों ली, क्योंकि 1 square mm की भी वायर थी, मैंने वो नहीं ली, क्योंकि इन केस अगर आप ये लेते हो 4-wheeler, अगर आपको चार्जिंग को लगानी है तो यही वायर जाएगी और ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरी वायर लेते हो जो पतली 1 square mm की, तो उसमें आपका जो 4-wheeler है वो चार्ज नहीं होगा, इसलिए मैंने यही वायर ली है। और ये थोड़ी मोटी भी है तो ये लॉन्ग लाइफ भी चलेगी, इसका कोई टेंशन नहीं है। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरे जैसे सेम चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये है एक लेटर बॉक्स, रेगुलर लेटर बॉक्स से ज़्यादा खर्चा मत करिए, जो सस्ता है वही चीज़ करिए, मैंने भी वही किया है। ये अपना लेटर बॉक्स है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद ये जो वायर है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाई है, तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये जो सॉकेट है ये भी आपको रेगुलर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये वायर भी मिल जाएगी, तभी भी मैं आपके लिए इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो क्या है, काफ़ी ईजी हो जाता है, हम खुद ही ये सब सेटअप कर ले तो हमें कहीं यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है स्कूटर को चार्जिंग को लगाना। और गाइस, कहते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, है, हमारी इंडिया है बहुत आगे बढ़ गई है और अब आगे और बढ़ रही है। जैसे कि ये देखिए, मैंने और एक कुछ तो डाउनलोड किया है, ये है ऐप बोल्ड का, तो ये है चार्जिंग स्टेशन, जैसे कि आप अभी देखिए ये सब ग्रीन कलर आएगा यहाँ पर, ये है चार्जिंग स्टेशंस। आपको बस आपका जो चार्जर है इसे कनेक्ट करना है, आपका कोई भी नियर बाय जो प्लेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा ये सब चीज़ें कि अभी मेरे घर से ये प्लेस कितने किलोमीटर है वो भी आ जाएगा, मुझे कितना कॉस्ट लगने वाला है वो भी आ जाएगा, चार्जर आईडी, ये भी सब है। आपको करना क्या है, जस्ट वो जो बोल्ट का चार्जर स्टेशन है वहाँ पर आपका फ़ोन लेके जाके हमारा जो फ़ोन है उसे हमें इस तरह से स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पेमेंट हो जाएगा आपके मोबाइल से और हमारी जो बाइक या फिर स्कूटर है वो चार्जिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आजकल सब इजी हो गया है, गवर्नमेंट कर रही है और इसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो हमें करना क्या है, जस्ट ये जो ऐप है इसे डाउनलोड करना है और अगर आप घर पर हो तो आपको ये ऐसा वाला जैसे कि मैंने अभी लगाया है ऐसा करना है। तो गाइज, ये हो गया आज का वीडियो, आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी हो और आपको भी आइडिया आया होगा कि आपको कैसे सेटअप करना है चार्जिंग के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि और मैं कौन से आगे वीडियो बनाऊँ। तो उसके लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।